نحمد و نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4B करते हैं. एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है, इसका पार्ट ए है राउंडिंग 72 टू द नियरेस्ट टेंस इक्वल्स. अब टेंस इक्वल्स जो है उसके नियरेस्ट हमने इसको करना है. तो देखें, जब आपका नंबर 5 हो या 5 से ज़्यादा हो आपके यूनिट प्लेस पे, तो हम जो नेक्स्ट वाला डिजिट होते हैं उसमें 1 प्लस कर देते हैं. और अगर 1 से लेके 4 के दरमियान हो तो हम एज इट इज़ उसको लिख देते हैं, या उसका जो पीछे वाला नंबर है उसको हम काउंट करते हैं. जैसे यहाँ अब राउंडिंग ऑफ 72 है, तो अब क्योंकि यूनिट प्लेस पे 2 है, ये 5 नहीं है और 5 से बड़ा भी नहीं है, इसलिए हम इसको राउंडिंग ऑफ जब नियरेस्ट टेंस करेंगे तो इसको हम 70 लिख देंगे. ठीक है, अगर यहाँ पे 75 होता, 76 होता, या 7, 8, 9 होता तो हम इसको 80 लिखेंगे. लेकिन अब क्योंकि ये 72 है, 5 से कम है, इसलिए इसको नियरेस्ट 10 का इक्वल जब हमने करना होगा तो हम इसको 70 लिखेंगे. पार्ट बी है राउंडिंग ऑफ 5895 टू द नियरेस्ट थाउजेंड्स प्लेस इक्वल टू. अब ये थाउजेंड्स प्लेस को जो इक्वल टू हमने करना है, यानी इसको नियरेस्ट करना है, तो अब ये देखें इसके बाद वाले जो डिजिट हैं वो 500 से ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 6000 हो जाएगा. अगर यहाँ पे 5400 समथिंग होता, या 5300 समथिंग होता, 5200 समथिंग होता, तो हम इसको 5000 लिखते. लेकिन अब क्योंकि ये 500 से ज़्यादा हो गया, 5800 है, तो इसलिए हम इसको 6000 लिख रहे हैं. सी पार्ट है 243 इज़ इक्वल टू 200 इफ़ राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट डैश प्लेस. कहता है 243 को वो जो है बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 200 के, अगर उसको हम राउंड ऑफ करेंगे टू द नियरेस्ट, किस प्लेस के, टू द नियरेस्ट 100 प्लेस. यानी उसको अगर हम 100 प्लेस के नियरेस्ट करेंगे तो ये हमारा 200 के इक्वल हो जाएगा. क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे 243 है, ये 50 से कम है. अगर यहाँ पे 250 होता, या 53, 54 या इससे अबव होता, तो हम इसको 300 लिखते. अब ये क्योंकि 50 से कम है, 243 है, तो इसलिए हम इसको 200 नियरेस्ट करने के लिए जो इसका राउंड ऑफ करेंगे वो किसको, 100 प्लेस तक करेंगे. ठीक है, अब डी पार्ट आ गया 11.09 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट होल नंबर इज़ इक्वल टू. अब देखिए 11 पॉइंट के बाद आ रहा है 0. अगर हम इसको यहाँ से राउंड ऑफ करें तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो 11.1 फिर भी ये क्या है, 5 से कम हो रहा है, तो हम इसको जब नियरेस्ट होल नंबर के इक्वल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 11. ठीक है, अगर ये 0 वाली प्लेस पे 5 होता, या 5 से ज़्यादा कोई भी डिजिट होता, 6, 7, 8 या 9 होता, तो हम इसको 11 की बजाय 12 लिखेंगे. लेकिन अब क्योंकि ये 11.09 है, तो यहाँ 9 को भी अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो 11.1 आ जाएगा, तो 11.1 भी वो कम बनता है, इसलिए इसका नियरेस्ट राउंड ऑफ 11 हो जाएगा. ई पार्ट है हमारा 124.78 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट होल नंबर इज इक्वल टू. अब देखें पॉइंट के बाद 7, 8 है, ये क्या है, 5 से बिगेस्ट है, तो हम इसको 125 कर देंगे. जब नियरेस्ट होल नंबर में इसको चेंज करेंगे 124.75 को, तो वो 125 बन जाएगा. उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छी तरह समझ आ गया होगा. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. अब हमने ये बताना है कि जो हमें स्टेटमेंट दी गई हैं ये ट्रू है या फॉल्स है. अब देखिए 5700 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 इज 6000. 5700 को अगर हम नियरेस्ट 1000 के राउंड ऑफ करें तो ये 6000 बन जाएगा. बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि ये देखें 5000 के बाद 700 है. अगर यहाँ पे 500 से कम होता तो ये फिर 5000 बनना था. अब क्योंकि ये 5700 है, इसलिए इसको नियरेस्ट 1000 में जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये 6000 बनेगा, तो ये हमारा स्टेटमेंट हो गई ट्रू. बी पार्ट की तरफ चलते हैं 300.89.
राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट होल नंबर इज 308. अगर 300.89 को हम राउंडेड ऑफ करें नियरेस्ट होल नंबर को तो वो बनता है 308, वो कह रहा है. तो वो बात बिल्कुल गलत कह रहा है. अगर इसको हम नियरेस्ट होल नंबर के करेंगे तो ये 301 बन जाएगा, इसलिए ये हो गई हमारी स्टेटमेंट फॉल्स. अब चलते हैं हम सी पार्ट की तरफ. सी पार्ट है हमारा 9.56 एंड 10.21 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट होल नंबर हैव सेम वैल्यू. यानी ये दो नंबर हैं, ठीक है, एक है 9.56 और दूसरा है 10.21. इसको अगर हम नियरेस्ट होल नंबर के राउंड ऑफ करें तो इसकी वैल्यू सेम बनेगी. देखिए 9.56 है, इट्स मीन कि ये 5 है और इसके बाद वाला डिजिट भी 5 से बड़ा है. तो हम इसको 9.56 को जब राउंड ऑफ होल नंबर में करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10. इसी तरह 10.21 है, ये क्योंकि 5 से छोटा है तो इसलिए इसको भी जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10. अब देखें इसकी वैल्यू भी 10 आ गई, इस वाले डिजिट है इसकी वैल्यू भी 10 आ गई. तो जब हमने इसको होल नंबर में राउंड ऑफ किया तो दोनों की वैल्यू 10 है, तो ये हमारी स्टेटमेंट हो गई ट्रू. स्टेटमेंट ये कही है कि 9.56 एंड 10.21 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट होल नंबर हैव सेम वैल्यू. कि अगर इन दोनों नंबरों को हम राउंडेड ऑफ करेंगे नियरेस्ट होल नंबर पे तो इसकी वैल्यू सेम होगी. तो बिल्कुल हमने देखा कि वैल्यू सेम आई, दोनों की वैल्यू 10 आ रही है. अब चलते हैं हम डी पार्ट की तरफ. डी पार्ट है हमारे पास 13.95 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट होल नंबर इज इक्वल टू 14.95. 13.95 को अगर हम राउंड ऑफ करें नियरेस्ट होल नंबर को तो वो इक्वल होगा 14.95 के. बिल्कुल गलत कह रहा है. अगर हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये बन जाएगा 14, ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी हो गई फॉल्स. क्योंकि 13.95 को राउंड ऑफ करें तो ये 14 बनता है, 14.95 नहीं बनता, इसलिए ये फॉल्स हो गई. ई पार्ट है हमारे पास 2349 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 इज इक्वल टू 2000. अगर हम इस वाले नंबर को राउंड ऑफ करें नियरेस्ट 1000 के तो वो 2000 बनेगा. बिल्कुल ट्रू कह रहा है क्योंकि 2000 के बाद 300 है. अगर यहाँ पे 500 या 500 से ज़्यादा होता तो हम इसको फिर यहाँ पे 3000 आना था, लेकिन अब क्योंकि ये 500 से कम है इसलिए ये राउंड ऑफ करके 2000 ही बनेगा. उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छी तरह समझ आ गया होगा. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन. अब हमें स्टेटमेंट दी गई है और उसके बाद उसकी चार हमारे पास ऑप्शंस हैं, उसमें से हमने ट्रू वाली ऑप्शन को सर्कल करना है या टिक लगाना है, ठीक है. अब 705.21 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट होल नंबर इज इक्वल टू 705.21 को राउंडेड ऑफ होल नंबर के करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 706, 705, 705.3 और 715. देखें पॉइंट के बाद वाले जो डिजिट हैं वो 5 से कम है, इसलिए हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 705, यानी बी वाली ऑप्शन हमारी ठीक है. अब चलते हैं बी पार्ट की तरफ. राउंडिंग ऑफ अ नंबर मींस, राउंडिंग ऑफ नंबर को करने का मतलब है डिवाइडिंग अ नंबर बाय 10, एस्टिमेटिंग अ नंबर, ऑलवेज एडिंग 1 टू द नंबर, रिड्यूस अ नंबर बाय 10. राउंडिंग ऑफ करने का, नंबर्स को राउंडिंग ऑफ करने का मतलब है, ए ऑप्शन कह रही है कि उस नंबर को 10 से डिवाइड करें, बी ऑप्शन कह रही है कि नंबर की एस्टिमेटिंग करते हैं हम, और सी कह रही है कि हमेशा उसमें नंबर में 1 ऐड करते हैं, और डी कह रही है कि उस नंबर में से 10 को रिड्यूस करते हैं, रिड्यूसिंग अ नंबर बाय 10. तो जो राउंडिंग ऑफ करने का मतलब होता है कि हम एस्टिमेटिंग करते हैं नंबर की, क्या करते हैं, एस्टिमेटिंग. चलें जी सी पार्ट है हमारे पास 61.59 राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट होल नंबर रिजल्ट इन. अब 61.59 को जब होल नियरेस्ट होल नंबर में हम चेंज करते हैं तो रिजल्ट हमारा आएगा 61, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन 62, सी ऑप्शन 61.1 एंड डी ऑप्शन 61.5.
तो जब हम 61.59 को नियरेस्ट होल नंबर में राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 62। क्या आ जाएगा आंसर? 62। क्यों आ जाएगा? क्योंकि पॉइंट के बाद वाला जो डिजिट है वो 5 है, ठीक है। इसलिए जब 5 हो तो हम अपने लेफ्ट साइड वाले डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं। तो अब चलते हैं डी पार्ट की तरफ। डी पार्ट है हमारे पास राउंड ऑफ 1840 टू द नियरेस्ट 1000। द रिजल्ट विल बी, जब हम 1840 को नियरेस्ट 1000 में राउंड ऑफ करते हैं तो हमारा रिजल्ट बनेगा। अब देखें 1000 के बाद ये 840 है, इसका मतलब ये 500 से बड़ा है। तो अब क्या करेंगे, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर बन जाएगा 2000। ये हमारी जो है नियरेस्ट होल नंबर 2000 बनेगा। तो हमारा जो डी स्टेटमेंट है उसका सी पार्ट सही है, ठीक है। अब चलते हैं ई पार्ट की तरफ। ई पार्ट है हमारे पास 3299 राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 इक्वल टू, अगर हम 3299 को नियरेस्ट 1000 के राउंड ऑफ करेंगे तो हमारा आंसर बनेगा 3000। क्यों 3000 बनेगा? क्योंकि देखें 3000 के बाद 299 है, ये 500 से कम है। अगर यहाँ पे 500 होता या उससे ज़्यादा नंबर होता कुछ भी तो फिर हम इसे 4000 लिखते। अब क्योंकि ये 3299 है तो इसका मतलब कि ये 500 से कम है, इसलिए हम इसमें 1 ऐड नहीं करेंगे बल्कि इसको 3000 ही लिख देंगे। उम्मीद है बच्चों आपको ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर अच्छी तरह समझ आ गया है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम।